एजुकेशन के दौर को भी देखा, अभी विदेश का भी आप एजुकेशन का एक स्ट्रक्चर और उसका भी दौर देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो कुछ हमारे यहाँ ऐसी कुछ खामियां हैं या मतलब कुछ ऐसे सुधार और करने की आवश्यकता है कि हम अपने युवा पीढ़ी को रोजगारोन्मुखी और रोजगार प्रशिक्षित कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा? अब मॉरिशस जो है हमारा एक बहुत ही छोटा सा देश है, जहाँ मैं रह रहा हूँ बहुत ही छोटा सा देश है, ठीक है। भारत बहुत बड़ा देश है और भारत का एजुकेशन जो है आप उसको किसी भी मायने में हम नहीं बोल सकते हैं कि वो कमज़ोर है, कमतर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड यहीं से लोग डॉक्टर हों या इंजीनियर हों या आपके जो हैं टेक्नीशियन हो या कंप्यूटर के फील्ड के जो भी आईटी फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं वो दूसरे देशों में जाके बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छे अच्छे साइंटिस्ट जो है अमरीका नासा वगैरह में भारतीय साइंटिस्ट हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो ये हमारी ही तो नींव है, हम यहाँ से भेजे हैं, ठीक है, यहीं से लोग जाते हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। पर भारत बड़ा है, बहुत सारे स्टेट हैं, स्टेट में अपनी उसकी अपनी जो एजुकेशन पॉलिसी है, कई तरह की जो है लूफॉल तो है, ये सब खामियां हैं, पर बहुत बड़ा है इसलिए कई तरह की खामियां यहाँ पे दिखती है, ठीक है। जैसे आप दिल्ली वगैरह में देखो देखेंगे कि आप यहाँ भी एक तरह का जो है कि ये एक व्यवसाय हो गया है, अच्छे पब्लिक स्कूलों में जो है कि आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको बहुत पैसे खर्च करने होते हैं, तो ये कई तरह की समस्याएं हैं, अच्छाई भी है तो समस्याएं भी हैं। नहीं, मॉरल डिमोरल तो हर जगह है, लेकिन एक ये जानना चाह रहे हैं हमारे से कि यहाँ पे और वहाँ पे कुछ डिफरेंस आपको लगा कि क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंसेस को अगर कम किया जाए तो क्या कुछ बेनिफिट्स हमारे सामने आ सकते हैं? यहाँ पे ये है जो मॉरिशस में स्थिति है, छोटा सा है, उसकी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो पूर्णतः जो है कि हम उसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि फ्री एजुकेशन है, वहाँ एक पॉलिसी बनी हुई है कि आपको जो है 12वीं तक आपको जो है पढ़ना ही पढ़ना है, प्राइमरी स्कूलिंग आपको सभी के लिए अनिवार्य है। अगर पता चले कि कोई बच्चा जो है कि घर में अकेला है, नहीं, उसे स्कूल जाना है, प्राइमरी एजुकेशन मस्ट है, यहाँ तक 12वीं की पढ़ाई, 12वीं तक जो 10+2 है वो अनिवार्य है, ठीक है। और वहाँ कोई भी जो है कि किसी तरह की वहाँ आप हम बोल सकते हैं भेदभाव नहीं है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लड़की हो या लड़का हो, उसमें कोई ये नहीं है कि आपको नहीं देना है, लड़कियों के एजुकेशन नहीं देना है, कोई भेदभाव नहीं है। पर हमारे यहाँ पे दिखता है यहाँ फ्री एजुकेशन नहीं है, पर वहाँ एक पॉलिसी, यहाँ काफ़ी सारी जो तंत्र में खामियां हैं कि टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है, लड़कियां नहीं जाती हैं, कुछ एक दकियानुसी विचारधाराएं जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, कुछ दकियानुसी विचारधाराएं हैं जो समाज में घर कर चुकी हैं, वहाँ नहीं है कि तो कुछ ऐसा भी वहाँ देखने को मिलता है। वहाँ हम बड़े ही मोड सोसाइटी में वहाँ जीते हैं, वहाँ चूँकि मॉरिशस में भारत से गए हुए लोग हैं, ठीक है, बिहार यूपी से गए हुए लोग हैं 60% से ज़्यादा, ठीक है। पर आज आप मॉरिशस में देखेंगे वही बिहार यूपी के लोग, और यहाँ के आप बिहार यूपी के लोगों को देखेंगे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये वही लोग हैं जो कभी बिहार और यूपी से गए होंगे, तो आप ये समझ सकते हैं कि उनकी जो सोच है, उनका जो एक द लिविंग स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लिविंग है, वो काफ़ी अलग है, यानी कि उन्होंने नए दौर के साथ कदम ताल मिला के चलना सीख लिया है, इसलिए क्योंकि वो मेहनत करते हैं, ठीक है, मेहनती ज़्यादा हैं और बैठना नहीं पसंद करते हैं। आज भी 70-75 साल में अपनी माँ को लेके जा रहा हूँ, कई माँ बोलती है 65-66 साल की, बोलते हैं अब मैं नहीं काम कर पाती हूँ, ठीक है, अब जो है कि मुझसे नहीं हुआ जाता है। वहाँ 75 साल की भी बुढ़िया को देखेंगे तो वो कुछ ना कुछ करती रहती है, लगी रहती है, मतलब लोग वहाँ जो है कि अपने आप को बैठना पसंद नहीं करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ करते हैं, और जो है कि उसके द्वारा उपार्जन उनको होता है, बैठना उन वहाँ के लोगों को, मैं इतने दिन से रह रहा हूँ 13-14 साल से, मैंने देखा नहीं है कि वहाँ के लोग आराम से जैसे कि बैठ के कोई खा रहा है, कुछ नहीं, कुछ ना कुछ लोग करते हैं, एक्स्ट्रा नवसर्जन में लगे रहते हैं, हाँ, कुछ ना कुछ करते हैं, तो इससे जो है कि सर दूसरी बात ये है कि स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बढ़िया है, टॉयलेट की व्यवस्था अच्छा है, साफ़ सुथरा है, वो सारी सुविधाएँ वहाँ पर है, सुविधाएँ हैं। सर बात की जा रही है एजुकेशन के साथ साथ कल्चर और जो अपने जो वहाँ का एक स्थानीय एक लोकेलिटी जो होती है उसके अंदर क्या कुछ आप डिफरेंस मानते हैं कि जो हमारे और वहाँ क्या कुछ पसंद है, क्या अपना यहाँ का जो है कुछ थोड़ा सा, अब जैसे कि कल्चर लाइफ स्टाइल के बारे में, मॉरिशस का जो कल्चर है, ठीक है,
वो छोटा सा है इसलिए सब कुछ हमें दिखता है। हमारे यहाँ भी जो है कि हम तो कहा जाता है कि हम तो बहुत ही रिच हैं, भारत की जो संस्कृति है, भारत का कल्चर बहुत ही रिच है, ठीक है, पर कई बार हम चीज़ों को जानते ही नहीं हैं। हम नहीं जानते हैं कि आज मान लीजिए कि हिंदू पर्व त्यौहार में बहुत सारा एकादशी है या कब क्या है, पर वहाँ या कब क्या हो रहा है, कौन से वहाँ हम सब जानते हैं क्योंकि वहाँ रेडियो जो है कि सूचना जो है कि रेडियो से हमें प्राप्त होता है कब चंद्रग्रहण हुआ है, कब क्या हुआ, आपको क्या करना है। तो जितने भी रिचुअल्स हैं वो हमें एक तो जो है रेडियो के द्वारा पता चल जाता है, हम सुनते हैं। दूसरा जो है कि वह जो भी होता है वो बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से होता है। जैसे मान लीजिए कि वहाँ का बहुत ही पॉपुलर या प्रसिद्ध या बोल सकते हैं कि मान्य और जो है कि वह काफ़ी जो है लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई है, उसमें जैसे शिवरात्रि का त्यौहार हो गया। तो शिवरात्रि का त्यौहार जब मैं भारत में था तो मुझे पता ही नहीं था कि चार पहर की पूजा होती भी है, नहीं होती, कैसे होता है। वहाँ लोग फास्ट करते हैं, चार पहर की पूजा शाम 6 बजे से शुरू होती है और सुबह जो है 4-5 बजे तक चलती है। तो लोग जो है फास्ट करते हैं और चार पहर की पूजा अटेंड करते हैं। और कांवड़ ले जाने की यहाँ भी प्रथा है, बड़ा है इसलिए हमें नहीं दिखता है, और वहाँ जो है कि वो कांवड़ या जो पैदल तीर्थयात्री जो जाते हैं वो लाखों की संख्या में आपको सड़क पर जाते हुए दिखेगा। आस्था वहाँ भी, वहाँ आस्था विश्वास जो है वो काफ़ी कायम है, कायम है। इसलिए जो यहाँ की जो संस्कृति है, हम हिंदुओं की संस्कृति है या मुसलमानों की है या क्रिश्चन की है या जो जैनिज्म, जो बुद्धिज्म लोग हैं, बौद्धिस्ट हैं, वो सभी लोग अपने कल्चर, अपने जो है संस्कृति से जुड़े हुए हैं बड़े ही मतलब मजबूती के साथ। सर, मीडिया से जुड़े हुए एक बात आ रही है कि वहाँ पे जो कम्युनिकेशन के साधन हैं या कम्युनिकेशन का जो एक स्ट्रक्चर है वो कितना सशक्त है, कितना स्ट्रॉन्ग है, और जैसे कि हमारे यहाँ अभी कुछ रिच नहीं है, काफ़ी टीवी भी नहीं है अभी मौर्य भारत, तो वहाँ का क्या कुछ डेवलपमेंट है? हाँ। और क्या कुछ आपने देखा है कि कुछ वहाँ का जो डेवलपमेंट है या यहाँ अपना ज़्यादा डेवलपमेंट है, या मतलब कुछ ऐसी तकनीक है जैसे कि जिसको और अपना करके और ये किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, और मैं भी चूँकि अभी मीडिया पर ही काम कर रहा हूँ, ओके, मीडिया पर ही काम कर रहा हूँ, और उसमें क्या था कि जो मीडिया की स्थिति जो मॉरिशस में पहले थी, ओके, मीडिया की स्थिति पहले बहुत ही मजबूत स्थिति थी। मीडिया ही ने जो है वो हिंदी के पत्र निकलते थे और हिंदी के पत्र में जो है किस तरह की बातें होती थी, कल्चर, हमारी संस्कृति, भाषा, इसकी इस पर ज़्यादा महत्व दिया जाता था। और कहीं ना कहीं यही जो है कि हिंदी पत्र पत्रिकाएं और जो हमारी भाषा हिंदी में निकलने वाली पत्रिकाएं या भाषा के प्रति जो है कि लोगों में एक तरह से जो जागरूकता उत्पन्न करना और जो है हमारी संस्कृति के प्रति, ये पत्रकारिता का काम था। और यह जो है इसकी भूमिका, इसकी ज़बरदस्त भूमिका रही है मॉरिशस समाज में। और स्वतंत्रता की जो है कि नींव अगर हम देखें, स्वतंत्रता की नींव में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, कहीं ना कहीं इसका एक बढ़ चढ़ का योगदान था। पर आज वहाँ मीडिया जो है कि बड़ी ही लचर है, कहने को सब कुछ है, कहने को रेडियो है, कहने को जो है वहाँ टेलीविज़न है, टेलीविज़न जो है कि वह जो संचालित हो रहा है वह गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है, ओके, तो पर हमारे भारत में जो है कि मीडिया मॉरिशस की तुलना में बहुत ही सशक्त है। एक समय था कि मीडिया उतनी सशक्त नहीं थी जब मैं यहाँ पे था, पर आज जो है मीडिया का बोलबाला है। मीडिया चाहे तो सरकार बना सकती है और सरकार जो है बदल सकती है, ये भूमिका है। पर मॉरिशस में जो है कि मीडिया, वह जो आज से 40 साल पहले जो मॉरिशस में मीडिया की भूमिका थी, और आज हम देखें तो आज स्थिति बड़ी ही नाजुक है। वह मीडिया उतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन या जो है कि वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है। इसका कारण यही है कि वो प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ठीक है, इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं है, क्योंकि जो रेडियो चैनल है, रेडियो चैनल में तो है प्राइवेटाइजेशन, और उसमें कई तरह की बातें होती है, कई तरह का डिबेट होता है, वह अच्छा सरकार की आलोचनाएं भी होती है। पर जो आपका जो दृश्य चैनल है, जो टेलीविज़न है, उसमें इस तरह की बातें नहीं होती, क्योंकि वहाँ जो है सरकार द्वारा नियंत्रित है, इसलिए वहाँ समस्या है। इसलिए और प्रिंट मीडिया में तो हिंदी केवल पत्रकारिता के रूप में बची हुई है, वह जो है कि दैनिक नहीं बन पाई है, तो ये समस्या है। पर वहाँ समस्या है, पर हमारे